हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बहनों, फाइनली पोषण ट्रैकर ऐप में एक और नया अपडेट आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि पोषण ट्रैकर ऐप का 21.9 का ये अपडेट आया हुआ है। ये जो अपडेट है 21.9, आप सभी लोगों को बहुत ही चौंकाने वाला और महत्वपूर्ण अपडेट आया हुआ है। जैसे कि ये जो अपडेट है 21.9, आप सभी लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में तो देखने को मिल जाएगा, बट आप लोगों के प्ले स्टोर में जो ये अपडेट है वो अभी शो नहीं कर पा रहा होगा। जैसे कि अभी आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन करने जा रहे होंगे, तो आप लोगों का पोषण ट्रैकर ऐप जो है वो लॉगिन नहीं हो पा रहा होगा। ये जो वीडियो है वो मैं रात को 9:20 पे शूट कर रहा हूँ, और ये अपडेट आप लोगों को 8 बजे के करीब आया हुआ है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पूरा इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि किस प्रकार से ये अपडेट आया हुआ है और कैसे आप लोगों को काम करना है, ठीक है। जैसे कि अभी आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर रहे होंगे, और जैसे कि मैं यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करके आप सभी लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है 21.9 में, और ये पहली बार ऐसा अपडेट आया हुआ है। यहाँ पे आप लोग आंगनवाड़ी वर्कर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप लोग आंगनवाड़ी वर्कर पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 21.9 का जो अपडेट है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जो कि पहले भी इस प्रकार से आप लोगों को ये अपडेट देखने को मिला हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों का जो मोबाइल नंबर है वो देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर पासवर्ड डालने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पासवर्ड पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लोग पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो जो आप लोग राष्ट्रीय जन आंदोलन में अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के जो लॉगिन करते थे, इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे पासवर्ड दिखाया जाएगा, ठीक है, साइन इन करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग अपना जो एम पिन है, जो पुराने एम पिन से आप लोग लॉगिन कर रहे थे, उस एम पिन को आप लोग यहाँ पर दर्ज करेंगे तो यहाँ पर जो आप लोगों का पोषण ट्रैकर ऐप है यहाँ पे लॉगिन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे प्ले स्टोर पे भी चल के दिखा देता हूँ कि ये जो अपडेट है आप लोगों का यहाँ पे प्ले स्टोर पे अभी शो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे प्ले स्टोर को भी ओपन करके दिखा दे रहे हैं। हमने यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन कर रखा है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप लिख के सर्च करेंगे। चलिए यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप लिख के सर्च कर लेते हैं। जैसे ही पोषण ट्रैकर ऐप लिख के सर्च करेंगे तो अभी आप लोगों का यहाँ पे जो पुराना वाला वर्जन है वही आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि 21.8 का जो अपडेट आप लोग किए थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं पोषण ट्रैकर ऐप का जो 21.8 का अपडेट है वही आप लोगों का यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अभी मैं ये जो वीडियो है वो रात को 9 बजे शूट कर रहा हूँ, और ये अपडेट आप लोगों को लगभग 8 बजे के करीब आया हुआ है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को घबराना नहीं है, पोषण ट्रैकर ऐप में कुछ इशू के कारण हो सकता है कि इस प्रकार से आप लोगों को अपडेट दे दिया गया हो, ठीक है। तो अभी आप लोग यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन करने जा रहे होंगे तो आप लोगों का यहाँ पे लॉगिन नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे प्ले स्टोर में भी आप लोगों का यहाँ पर कोई भी अपडेट शो नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, जो पुराना वाला अपडेट है वही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों को घबराना नहीं है, हो सकता है कि पोषण ट्रैकर ऐप में पहले ही अपडेट कर दिया गया हो और आप लोगों को प्ले स्टोर में कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रहा हो, ठीक है। तो कुछ टाइम आप लोगों को वेट करना है, जैसे ही प्ले स्टोर में आप लोगों का ये अपडेट आ जाता है, और इसके बारे में क्या क्या अपडेट आती है इसके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस प्रकार का ये अपडेट आया हुआ है और कैसे आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन करना है, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पर क्लिक करके देख रहे होंगे तो पोषण ट्रैकर ऐप जो है आप लोगों का यहाँ पर लॉगिन नहीं हो पा रहा होगा। तो चलिए मैं फिर से यहाँ पर लॉगिन करके देख लेता हूँ कि यहाँ पर लॉगिन हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम आप लोगों को दिखा देते हैं। तो जो आप लोग यहाँ पे अपना पासवर्ड बनाए हुए हैं उस पासवर्ड से आप लोग लॉगिन करने जाएंगे तो आप लोगों का यहाँ पे लॉगिन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों को घबराना नहीं है, अभी कुछ टाइम का वेट कर लेना है। जैसे ही प्ले स्टोर में आप लोगों का ये अपडेट शो हो जाएगा, आप लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और पोषण ट्रैकर ऐप में क्या क्या अपडेट आया हुआ है मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।